हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं घर एक महीने बाद। आई थिंक एक महीने ज़्यादा हो गया ना। हाँ, एक महीना तो हुई है मेरे को, एटलीस्ट तेरे को ज़्यादा हो गया होगा। हाँ, तो काफ़ी टाइम हो गया है और दिवाली का टाइम भी, तो घर तो होना बनता ही है। और अभी बज रहे सुबह के, बताइए आप। 4:30 सर ने बोला था 4 बजे निकलेंगे, 3:30 बजे मुझे उठा देना। सब कुछ होने के बाद भी पर क्या मैं नहीं उठा 3:30 बजे? उठने के बाद तो नहीं, मैंने क्या किया, मैं अभी भी रेडी हुए आधा घंटे से सिर्फ पहुंची ही है, दैट्स इट। और चलो प्रॉपर, तो मेरा सारा सामान ऑलरेडी पैक हो चुका है, आधा रख भी लिया है मैंने। और एक बार और राउंड मार लेते हैं खाली। क्या इसको रख ले, और एक जो भी हाथ में है और वो भी रख लेना, ठीक है। अब ब्लॉग बंद कर ले, दो कैसे हाथ से कैसे पकड़ेगी। चल सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और क्या फॉग मिला है। हर बार ऐसी हुआ है, पता है, हम लोग याद कर पौर्शा लेके आए थे तो क्या क्रेजी कोहरा हुआ था भाई उस दिन। बट लेकिन बाहर रात के इतना टाइम बाद घर जा रहे हैं और सब कोहरा आने लगे, लेकिन अब वो लेवल नहीं है ये। हाँ, तो 10 में चली थी, 10 की स्पीड में चली थी पूरे टाइम गाड़ी, पता है इतना कोहरा था, दिख ही नहीं रहा था आएगा। ये तो बहुत मैनेजेबल है, अभी स्टार्ट है ना तो कुछ नहीं, बट आगे हमें लग रहा था कि स्मॉग है, पॉल्यूशन है, बट अब मिक्स हो जाएगा पॉल्यूशन और कोहरा ना बढ़ता ही जा रहा है। भले ही टाइम हम लोग ऑलमोस्ट 7 बज चुका है, पर अभी भी मतलब देखिए मेरे खाते पूरी डेंसिटी देखो आप ये, और रास्ते में इतने सारे ट्रक पलटे हुए हैं ना। आई थिंक या तो ये मतलब ऐसे धुंध की उससे, या फिर अपने अपनी गलती की वजह से। भाई ये स्टाइल नहीं मार रहे उनकी गाड़ी, चली नहीं पा रही आएगा, देखना अभी दोबारा काटेगा, देखना वो भाई इतना गंदा कोहरा हो रहा है ना कि इसने ऐसा करना नहीं चाहिए, पर वो ये देख रही है। आज बनेगा तहलगांव, लड़ाई होगी थी अभी, उसने देखा कैसे भगाते ले गया वो गाड़ी। बेकार बंदा, को चिल ही नहीं यार, 2 मिनट रुक जाओ यार। पीपल गेट नो चेयर। पहुंच गए हम घर। ये हमारी गुना, तुम तो पतला सा क्यों है, मेरा गुना इतना पतला, तुम्हारी याद में गुन्नू बहुत ही बदला गया है। एक महीने बाद आ रही है घर। हाँ, बाल बढ़ गए ना मेरे, ज्यादा ही हो गया था, देख ना, एक महीने से ज्यादा हो गया। शिवांगी जी गए स्कूल में, सही है भाई। तो कब से हो रहा है इंतजार है। हाँ, अभी देखने तो आएंगे ना, दादा कब आ रहा था। गुन्नू तुमको नहीं था इंतजार बिल्कुल। अरे वाह, दिवाली की माला वाला सब सजावट हो चुकी है, पेड़ भी थोड़ा काट दिया उन्होंने, बढ़िया है बढ़िया। चलो हाँ, बहुत सुंदर। अरे कलर भी कर दिया इसमें, काफी तो थोड़े बहुत तो चेंजेस हुए हैं। अरे यहाँ बन रही है टमाटर की चटनी। अरे हम वहाँ से ना 1 घंटा जब हम लोग रुद्रपुर थे तो अंशुला वहीं पर मम्मी को फोन करके दोबारा कंफर्म किया कि हम आ रहे हैं, पहुँचने वाले हैं, क्या खिचड़ी और चटनी बना दोगे। तो मम्मी ने ऑलमोस्ट खिचड़ी की तैयारी हो चुकी है, और बस चलना खाते हैं, बिना रुक खाए हम लोग। मैं चक्कर आ रहे हैं मेरे को तो। चल रुका ही नहीं कहीं पर, वैसे भी कुछ खुला भी नहीं, खुला ही नहीं था कुछ, और कोहरा ऐसा हो रहा था, मन भी नहीं कर रहा था रुकने का, तो कोई पॉइंट ही था। चलो जी, अरे तुमको तो मतलब ही नहीं हो रहा था हमसे, ये देखो इसको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों बे, ओए किनारे किनारे दादा आ रहा, जा वहां का मेरे कमरे में देख, जैसे तो नहीं मिला यार तुम। अगर मेरे कमरे में जाना पड़ेगा करके ना, तो थोड़ा लटर पटर तो करना ही पड़ेगा यार दीदी। बिचको बिचको बिचको, जा फिर जा, आ जा 10 मिनट। अरे कहाँ जा रहा है? बस भाई जिसका कमरा है वो बैठा हुआ। ए हाँ जी, बेटा कहाँ है, थोड़ा सा भी ठीक ऐसे नहीं की तबीयत खराब हो रही है उसकी, है एक तो डरते भी नहीं, पटाखे वटाखे बजते। हाँ पतला भी हो गया, देख नहीं हो गया पतला, ए चुप रहे, कितने अभी 3 साल भी नहीं हुए उसको। छोटा बेबी, एक से मिल लिए, अब हम मिलेंगे दूसरे
लागी बागी डागी से। अरे भाई ये देखो ओ छिपे छिपे छिपू छिपू मैं छिपू उच्चा तुमने तो बोला ही नहीं यार छिपू ना ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। तो सो गई थी मैं मस्त एकदम क्योंकि बहुत थके हुए थे। व्हाट आर यू डूइंग बता एक्सक्यूज मी प्रिपेयरिंग फॉर अ वीडियो। अब हमें एक वीडियो बनानी है तो मेरे मित्र मित्रानी जंक्शन दे एक फोटो डाली मैंने अभी अभी दिवाली वाइब्स ना अलग ही होती है सुंदर। वाओ ऑलराइट तो डिनर वगैरह हो गया है सब कुछ और रात के बजे भी 10:30 और अब सोते हैं क्योंकि कल मैं बहुत काम है। कल धनतेरस है तो पूरा दिन शॉपिंग में बिजी होने वाला है। सारा पूजा का सामान और जो जो छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की हमें शॉपिंग करनी है और घर तो मैंने ऑलरेडी फैला दिया अपना सामान। और ये जो बैग है ये फुल ऑफ क्लोथ्स है गंदे कपड़े जो मुझे कल वॉश करने हैं तो कल का दिन बहुत हैक्टिक होने वाला है। सो आई विल स्लीप तो आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।